तीन दफा दाबी नहीं कनिष्ठ आशायी शिक्षक संघ आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखे धरना बस कौन रही तीन दफा दाबी कहीं से जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आगे बस जो से कहवा कथा जो सरकारी स्कूल बंद कल गरीब छुआ को मूर्ख कर शिक्षक निजुक्ति आमरदारी जनसाधारण एक सरकारी स्कूल को रक्षा कर यह सब स्लोगान मान दौंत सहित एमने जो कनिष्ठ आशायी शिक्षक संघ एम केवल जे आज धारणा बस नहीं या पूर्वर से जिलापा आरंभ कर शिक्षामंत्री और जिला शिक्षा अधिकारी को बारंबार से दाबी जन सबुब प्रतिश्रुति मिली आपण कथा बुझाजी हेले आज पर्यंत ताला ना जो से आज निष्पत्ति नहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखें से जिते पर्यटन से दाबी पूरण न हो हक पूरण न पाए से धारणा बस सर आम देखु कनिष्ठ आशायी शिक्षक संघ तरफ जो तीन दफा दाबी नहीं बस प्रमुख दाबी आप रही निष्पत्ति ने आम जो शिक्षित व्यक्ति शिक्षार आज मान दिनक दिन ह्रास हो कहीं आम राज्य 14,269 गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद हो बहुत दुखर विषय जो 19 शताब्दी मसीह जो स्कूल खुलता से स्कूल को आज 2020 मसीह केमी बंद हो शिक्षार जदि मान वृद्धि होता है स्कूल के बंद था कारण सरकार ये प्रति सचेतन नुहति सरकार चाहूँ कौन ना प्राइवेटाइजेसन करदे कि शिक्षा को नष्ट करदेपी चाहते तेणु आज आम मेन मुद्दा हूँ आम जो 20,000 जो 14,269 जो गवर्नमेंट स्कूल रही से गवर्नमेंट स्कूल तुरंत सरकार जो बंद प्रक्रिया को तुरंत प्रत्याहार करूँ एवं ताकु रिओपन करूँ आम यही कहे जे शिक्षा जो पिला विशेष करी गवर्नमेंट स्कूल रे पाठ पढ़ुवा पिला माने सब खटिकिया दिन मजुरी पिला माने से माने जदि आज तांको स्कूल गाँ स्कूल रे बंद हो जाऊ ताहले तांकर शिक्षार मान निश्चित भाव कमिजी एवं से शिक्षार वंचित होते जो घर स्कूल गुड़िक जो छती फुटला भाई खुलचे सरकारी स्कूल बंद हो मुख्य कथ कह कथा सरकार के भित्तिमि अभाव सब स्कूल बंद रोच तो से सब को तुरंत केमी खोल जापर तार भित्तिमि को बढ़ाई पार शिक्षार मान कौ भाव वृद्धि कर तो से आज धारण में बसस एम एंट्रेंस कराई एंट्रेंस करम दि जाए निजुक्ति मिलना से गोटे बड़ मुख्य समस्या सब गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ जो प्राइवेट स्कूल गुड़क एनओसी ना कर ना तो सेगुड़ी स्कूल प्रोत्साहित कर सरकार कि सरकारी स्कूल गुड़क अच्छे से बंद कर देखा प्रकृत चाहते आम चाहू शिक्षार पूरा गोटे रिफर्मेसन हो जे शिक्षा को जो शिक्षाटा हूँ आमर गणतांत्रिक अधिकार संविधान अनुसार पूरा समस्त 6-14 वर्ष पिलाने मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा पाइबार अधिकार हो समस्त सरकार कि कौन करना सरकारी स्कूल को बंद कर शिक्षा को घरकरण करने पूरा अग्रसर होद्वारा कि आमर जो सांविधानिक अधिकार क्षीण हो तो सब बड़ दुखर कथा कि आप जो मैंने इलिगाली जो जी कर प्रोत्साहन दि जाऊँच कि जो लिगाली जो जो मैंने चलते एक्शन निदी बंद अच्छी जदि नियम समस्त सामान से प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जदि आप जहाँ भी बंद कर प्रथम जोड़ाक इलिगल जो बेआईन भाव चलती आगे एक्शन निपर आप गवर्नमेंट स्कूल कथा देखिए सब बड़ कथा सरकार हूँ कौन ना करोना सबको पोस्टपोन कर दिखाई इवन इफ मेट्रिक फर्म पूरण भी पोस्टपोन कर दिखाई कि सरकारी स्कूल बंद सरकार तत्परता कहीं आम कि बुझीपूर्ण आज्ञा कि आम देखु तापर भी बड़ दुखर कथा जे आमर जो ओडिशार जो आदर्श विद्यालय सी बर्तमान ओडिशार सारा भारत में पंचम स्थान में ही रोचे कौन आदर्श विद्यालय सरकार कौन सुना पु कौन सरकारी विद्यालय सरकार कौन सबद पु कि आम टोटाल बुझीपार नहीं सब कहीं होती ये सब मानने द्विमुखी नियम कौन पाई जे सरकार जो द्विमुखी जो नीति रही से विरोध करता जो सरकारी स्कूल गुड़िक रही सेगुड़ी बंद कराए और प्राइवेट स्कूल जो मानक मान्यता ना से प्रोत्साहन दौंस से स्कूल खोलुँच चलाउं तो मैडम आम बस आज धारणा प्रमुख दाबी आप कौन चाहते आम दाबी हूँ सरकार जो सरकारी स्कूल सब बंद कर स्कूल सब बंद रु बर्तमान किसी तार कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पूर्व पुणी आउ थे तदारख करूँ कौन पाई से बंद हो सठिक भाव तो हो
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଉଥରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯେ ଆଉଥରେ ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାନଯିବ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି 2016 ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ତାଲିମ କରିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲେ ତାଲିମ କରେଇଲେ ଚାକିରି ବେଳକୁ କାହିଁକି ମୁହଁ ମୁଡ଼ିଲେ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କଲେ ତାଲିମ ଦେଲେ ଚାକିରି ବେଳକୁ ମୁହଁ ମୁଡ଼ିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି? 2016 ନିଯୁକ୍ତି ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାଲିମ ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମକୁ ଘରେ ବସେଇ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାଲିମ ନେଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଇଏ କରିକି ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶା ଭରସା ପୂରଣ କରିପାରିବା ତ? ୟେସ୍, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ଦେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲେ ତ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୁହଁ ମୁଡ଼ିଲେ, ଏସବୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପାଖରେ NOC ବା ମାନ୍ୟତା ପତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, NOC ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଟି BED ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।